देश भर में चल रहे लू के कहर के बीच जल्द मिलेगी खुशखबरी, अगले 5 दिनों में मानसून की होगी शुरुआत। बंगाल में चक्रवात रेमल ने मचाया कोहरम, 6 की हुई मौत, 2 लाख लोगों ने ली राहत शिविरों में शरण। मुंबई में जल्द ही मानसून देगा दस्तक, आज मौसम का मिजाज बदला, जल्द होगी बरसात। दिल्ली में अगले 4 दिन भीषण लू की संभावना, 31 मई के बाद से बारिश दे सकती है दस्तक। राजस्थान के फलोदी में पारा 50 डिग्री तक पहुंचा, राजस्थान के आधे हिस्से में गर्मी ने बरपाया कहर। यूपी में प्रचंड गर्मी, दोपहर में आगरा और झांसी का पारा 47 डिग्री के पार, कई जिलों में रेड अलर्ट हुआ जारी। 7वें चरण के मतदान के बाद 1 जून को इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में अहम बैठक होगी। 5 जुलाई को आपके अकाउंट में आ जाएंगे 8,500 रुपए, राहुल गांधी ने बता दी पहली किस्त की तारीख। मुस्लिम आरक्षण को लेकर सीएम योगी ने फिर दिखाए तेवर, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ। उनकी तहे दिल से इच्छा है कि केजरीवाल मर जाए, बीजेपी पर जमकर बरसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल नहीं होंगी, 1 जून को होनी है बड़ी बैठक। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। पुणे पहुंच का हादसे में 2 डॉक्टर समेत 1 हुआ गिरफ्तार, नाबालिग ड्राइवर के ब्लड सैंपल में हेरफेर करने का आरोप। कोरोना के कारण 2 साल घट गई लोगों की आयु, WHO की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पुणे केस में 2 डॉक्टर और हॉस्पिटल के 1 कर्मचारी को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। 31 मई को SIT के सामने पेश होंगे प्रज्वल रेवन्ना, कहा मेरे खिलाफ दर्ज सभी मामले झूठे। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में विभव कुमार को कोर्ट से लगा पड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज। लुधियाना में अमित शाह की रैली से पहले हंगामा, किसानों ने किया सड़क जाम, गो बैक के लगे नारे, हुई धक्का मुक्की। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 64 तीर्थयात्रियों की हो चुकी है मौत। मुंबई जा रहे एयर इंडिया विमान के शौचालय में धूम्रपान कर रहा था शख्स, हुआ गिरफ्तार। राजकोट अग्निकांड के 3 आरोपियों को पुलिस 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आज सोने के दामों में उछाल देखी गई, सोना 66,650 रुपए तोला तो वही चांदी 93,000 रुपए किलो। मुंबई में GRI की ताबड़तोड़ छापेमारी, 8 करोड़ की 53.64 लाख विदेशी सिगरेट हुए जब्त, प्रमुख सिंडिकेट सदस्य हुआ गिरफ्तार। मुंबई में बनी सुरंग से बुलेट ट्रेन के काम में आएगी तेजी, साल 2026 से चलाने की है तैयारी। आगरा में ट्रेन के सामने कूदी महिला, स्टेशन पर प्रेमी से हुआ झगड़ा, फिर प्लेटफॉर्म से छलांग लगाई, हालत हुई गंभीर।